करनूल पोस्ट अखबार ने केडन चैनल के सहयोग से आज महिला कॉलेज बारामूला में कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्र समुदाय पर मोबाइल फोन के प्रभाव को नेविगेट करना, समाधान और रणनीतियां खोजना विषय पर केंद्रित रहा। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और गैर सरकारी संगठनों और मीडिया बिरादरी के विभिन्न संसाधन व्यक्तियों ने भाग लिया। जनाब एचओडी मजीद साहब यहाँ पे प्रेजेंट है जी, डीएसपी डीआर बारामूला जनाब अल्ताफ साहब भी हमारे साथ स्क्रीन पे लिखा है। शिस्त यहाँ कायम की गई है। हमारे स्पॉन्सर्स हैं केडन, द वर्बल पोस्ट, हाय, एक बार उनके लिए पुरजोर तालियां। यहाँ के मशीनों की हुकूमत है, इंसानियत की मुरवत कुचल देते हैं ऑल आउट मोबाइल फोन, लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल बन जाती है। हमें मोबाइल फोन के इस्तेमाल को तर्क नहीं करना है, बल्कि इसको रेगुलेट करना है, इसका सही इस्तेमाल करना है। जैसे हमें गाड़ी अलग, फिर बंदूक के लिए लाइसेंस का होना जरूरी था, अब गाड़ी के लिए लाइसेंस का होना जरूरी है। ऐसा आएगा कि हमें मोबाइल फोन के लिए भी लाइसेंस। आजकल मटेरियलिस्टिक जो है इस इंडस्ट्री का, जिन्हें इन मोबाइल फोन से इस्तेमाल को देखते हैं बच्चों पर। जेपी बारामूला, प्लीज अब्दुल मजीद साहब, रेस्पेक्टिव मेडिकल सुपरिटेंडेंट एंड फैकल्टी फ्रॉम जीएमसी, मदद हो सकती थी उन्होंने की, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। डॉक्टर रुपेश, हालांकि वो यहाँ आ नहीं पाए, कुछ मसरूफियात ज़्यादा थी उनके बिहाफ पर। मैं गुजारे रहे हैं बारामूला में, और बहुत हद तक उन्होंने जो है वो ख़त्म भी कर दिया। उनके बाद साहब रिसीव करें, उनके बाद अगला नाम डॉक्टर काफी। पीछे व्हाट्सएप पे कैसे चेक करूं, एक बार प्लीज लेने की आवाज़। हॉस्पिटल विजिट करें, इन्होंने बहुत सारे नेशनल अवार्ड जो है वो लिए हैं। अब मैं अगर नाम भी एक ऐसे डॉक्टर, हालांकि बारामूला में बहुत ऊपर नीचे हो जाऊं मैं। टॉपिक्स का मकसद बेसिकली कि डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, जो कि गलत रास्ते पर जा रहा है उनको वहाँ से वापस कैसे लाए। बेसिकली जो हमारे सामने स्पीकर्स थे, उन्होंने हर एक ऐसी काइंड ऑफ वे बोली जिससे हम वी कैन टेक द यूथ आउट जो भी गंदी चीज़ें हैं उनसे। और बेसिकली जो मुझे लगा कि मैसेज जो है वो आगे जाना चाहिए, लाइक हाउ मैं आई बाहर, आई कैन स्प्रेड इट मोर। लाइक मैं स्कूल में जाती हूँ, वहाँ पर सबको बोलूँ कि वहाँ पर हमें क्या बोला गया, हमें किन चीज़ों पर ध्यान देना है। तो ये मैसेज जो है आगे जानी चाहिए, ताकि जो हमारा यूथ है वो भी एम्पावर हो, यूथ का जो यूथ भी इम्प्रूव हो। क्योंकि आई नो कि जो ये फ़ोन है ये कितना डिवेस्ट कर रहा है। आई डोंट से कि जो फ़ोन है वो उससे बस गलत यूज़ कर सकते हैं, बट फ़ोन हमारे लिए इट्स ऑल अबाउट यूज। आप एक फ़ोन को कैसे यूज़ कर सकते हैं, इफ़ यू यूज़ इट फॉर द स्टडिंग पर्पज़, तो हमारे पास यूट्यूब है, यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा मटीरियल है जिससे हम बहुत आगे जा सकते हैं, एटलीस्ट ट्यूशन की फीस बच सकती है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द सोशल मीडिया से आज का यूथ बहुत ज़्यादा अटैच हो गया है, इतना अटैच हो गया है कि उनका माइंड टोटली डिस्ट्रक्ट एंड वास्ट हो गया है। जस्ट बिकॉज एंड वी कैन से जो उनका दिमाग है इट्स फुल ऑफ जंक, दे आर इन द रियल वर्ल्ड बट नॉट इन द रियल वर्ल्ड। सो एट लास्ट आई वॉन्ट टू से जो आज हमें मैसेज मिली वो आगे आगे पहुँचाए, ताकि जो यूथ है उसकी वो जो डिस्ट्रैक्ट हो गया है वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, वो एक सही ट्रैक पर आ जाए। ये किसी भी चीज़ की एडिक्शन जो होती हैं वो ठीक नहीं होती हैं। हमारे सोसाइटी में बहुत सारी एडिक्शंस हैं, तो हर फ्रंट पे काम हो रहा है। हम ये नहीं बोलेंगे कि काम नहीं हो रहा है, लेकिन हमने सोचा जो मोबाइल, जो हमारा आज का टॉपिक था मोबाइल फ़ोन एडिक्शन जो स्टूडेंट्स में, ये बहुत बड़ा एडिक्शन है। आप देखिए, हम घर में खाना खाते हैं तो मोबाइल एक हाथ में होता है, दूसरे हाथ से निवाला खाते हैं। तो इसलिए आई थॉट कि दिस टॉपिक नीड्स टू बी डिस्कस्ड, दिस इशू नीड्स टू बी रिजॉल्व। सो इसलिए हमने यहाँ पे बहुत सारे जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, स्टूडेंट्स हैं, बाकी जो मेडिकल फ्रेटर्निटी से हैं, हमने सबको आज बुलाया था यहाँ पर, ताकि इसका एक सोल्यूशन निकाला जाए। सो लेट्स होप दिस मैसेज गोज आउट, एंड आई एम वेरी थैंकफुल ऑफ मीडिया एंड आवर रिसोर्स पर्सन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। एसएसबी के डीआईजी